सो अभी मेला के अंदर की ओर चलते हैं। और आप लोग साड़ी है वो कहाँ का है? सो 100 रुपये में देख सकते हो, मतलब बहुत सारा आइटम्स और बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो काफ़ी प्यारे प्यारे इयररिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो झूला जो है वो कितने का है? ये झूला से जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, सांस है, खांसी है, पेट का गैस है। सो है एवरीवन, नमस्ते जोहार, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और फिलहाल अभी हम लोग हैं रेलवे मैदान पे। तो रेलवे मैदान में स्वदेशी आर्ट एंड क्राफ्ट मेला और डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। सो या गाइस, तो अभी अंदर चलेंगे और मेला को एक्सप्लोर करेंगे कि मेला में क्या क्या है और प्राइस क्या है और क्या कुछ आइटम्स आया है यहाँ पर। सो अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि मेला के अंदर क्या कुछ है। एंट्रांस गेट में बोर्ड लगा हुआ है स्वदेशी आर्ट एंड क्राफ्ट मेला डिज्नीलैंड, और उसके जस्ट बगल में इधर आपको काउंटर देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। और ये मेला जो है 19 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और शायद 5 मार्च तक रहने वाला है। और टाइमिंग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मॉर्निंग 11 बजे से रात के 9 बजे तक है। सो अभी मेला के अंदर की ओर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं मतलब क्या क्या यहाँ पर आया हुआ है। और बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा झूला भी शायद आया हुआ है, तो अभी आप लोग को कोशिश करेंगे सारा कुछ दिखाने का। मेला में जैसे आप लोग एंटर करोगे लेफ्ट साइड की ओर आपको कपड़े के शॉप मतलब देखने को मिल जाएगा शायद ये, और इधर देख सकते हैं मतलब शॉर्ट्स वगैरह है और अधिकतर शायद गर्ल्स लोग के लिए आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इधर भी बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल हैं गर्ल्स लोग के लिए स्पेशली। फिर नेक्स्ट जो शॉप है वो किचन का आइटम्स है, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है गर्ल्स भी और वो लोग के लिए। साड़ी और सूट्स का आइटम जो बहुत सारा यहाँ पे अवेलेबल है। और साड़ी है वो कहाँ का है? बनारस का। बनारस का साड़ी है, तो आप लोग बनारस का साड़ी के बारे में बहुत मतलब सुना होगा आप लोगों ने। तो भैया जो प्राइस जो है वो क्या है साड़ी का? स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 800 रुपये से स्टार्टिंग है और 12,000 के रेंज तक है। अच्छा, स्टार्टिंग 800 रुपये से है ना, और डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा कि फिक्स प्राइस? 20% डिस्काउंट है। अच्छा ठीक है ना, तो डिस्काउंट भी हो जाएगा। और क्या क्या आइटम्स है साड़ी के अलावा, और क्या क्या आइटम्स है? साड़ी में हमारा बनारसी साड़ी, बनारसी सूट, बनारसी दुपट्टे हमारे यहाँ पूरा बनारसी। तो सारा मतलब जितना भी प्रोडक्ट है आपके पास सारे बनारसी आइटम्स है ना। सूट्स का भी थोड़ा स्टार्टिंग प्राइस बता दीजिएगा ना। जैसे का मेरा 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। अच्छा, उसमें डिस्काउंट हो जाएगा ना? हाँ, उसमें 20% डिस्काउंट। अच्छा 20। और इधर जो है बच्चे लोग के लिए जो खेलने के बहुत सारे इधर टॉयज, हाफ शर्ट है, फुल शर्ट है और लॉन्ग कुर्ता है। अच्छा, कुर्ता उर्ता आ जाएगा ना, मतलब जितना मतलब मेंस का जितना सारा वैरायटी है ना। तो थोड़ा शर्ट का भी स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा बता देते हैं। 250 से स्टार्टिंग। 250 से स्टार्टिंग है। और हाईएस्ट कितना तक जाएगा? हाईएस्ट आएगा 450 तक। 450 तक। अच्छा, जो 250 जो स्टार्टिंग प्राइस है उसमें डिस्काउंट हो जाएगा कि मतलब फिक्स प्राइस है? फिक्स प्राइस है ना। और कुर्ता के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। 350 आएगा भैया स्टार्टिंग प्राइस, 350 ना, उसके बाद क्वालिटी के ऊपर वो बढ़ता जाएगा ना। जैसा लीजिए आपको सब प्राइस जाएगा। सीट और कर्टन वगैरह है और काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब कलर्स में अवेलेबल है आप लोग को, जैसे कि देखने को मिल जाएगा। इधर बेडशीट वगैरह आपको उधर दिख रहा होगा और इधर कर्टन्स वगैरह हैं। सो बहुत सारा एकदम आइटम्स अवेलेबल है। 250 का है अच्छा स्टार्टिंग प्राइस, 250 है ना। और हाईएस्ट कितने तक जाएगा? 750। 750 तक। तो और डिस्काउंट हो जाएगा कि फिक्स प्राइस है? फिक्स प्राइस है, वो लेने के बाद डिस्काउंट। अच्छा, लेने के बाद डिस्काउंट हो जाएगा ना। तो भाई का कहना है कि डिस्काउंट हो जाएगा। सो गर्ल्स भी और जितने भी देख रहे हो यहाँ पे, कुर्ती भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स में अवेलेबल है आप लोग को, जैसे कि मैं दिखा दूँ इधर देख सकते हो बहुत सारे कलर्स जो है अवेलेबल है इधर। स्टार्टिंग प्राइस क्या है टेडी का? 100 रुपये। 100 रुपये कौन सा है? 100 रुपये कोई सब लीजिए। 100 रुपये अच्छा, कोई भी लेंगे 100 रुपये है ना। सो जैसे कि भाई का बोलना है कि मतलब कोई भी आप इसमें से कोई भी टेडी बेयर्स लेते हो उसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 100 रुपये, उसमें डिस्काउंट है कि फिक्स प्राइस है? 100 रुपये फिक्स है ना। सो 100 रुपये में देख सकते हो मतलब बहुत सारा आइटम्स और बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा टेडी में, अगर आप इसको गिफ्ट करना चाहते हो या फिर बच्चे लोग के लिए भी अगर लेना चाहते हो तो बहुत सारा यहाँ पे टेडी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो एकदम बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आपको इयररिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो भाई इसका प्राइस सबका अलग अलग है क्या? जो इयररिंग्स है उसका प्राइस अलग अलग है? तो स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा बता देना हमारे व्यूअर्स को। हाँ, 40 रुपीज़ फिक्स प्राइस है? अच्छा, तो 40 रुपीज़ से स्टार्टिंग है इयररिंग्स। आप देख सकते हो काफ़ी प्यारे प्यारे इयररिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो मतलब बहुत सारा आइटम्स यहाँ पे स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए आइटम्स है। और अभी नेक्स्ट जो देखते हैं यहाँ पे जो वो किचन के आइटम्स है सारा अवेलेबल है, मतलब आप लोग को किचन से रिलेटेड अगर कुछ लेना होगा तो यहाँ पे आप लोग 2-3 शॉप है आप लोग डेफिनेटली विजिट करो। अभी कुछ शॉप अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं क्योंकि अभी टाइम 4:45 हो रहा है, मतलब 4:50
हो रहा था, धीरे धीरे जो शॉप है वो खुल रहा है। तो देख सकते हो सैंडल वगैरह जो है वो इधर, ये जो है वो 350 का है। हाँ, अंदर का 200 है 250 है। अच्छा ऐसा है ना। तो ये सेक्शन आप लोग देख सकते हो जो कि 200 रुपीस का है, और सामने भी आप लोग को दिख रहा होगा 200 रुपीस में, और इधर जो है 250। ये और फिक्स प्राइस है क्या? हाँ, सब फिक्स प्राइस, नो बार्गेनिंग। अच्छा, तो देख सकते हो 200 रुपीस में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सैंडल्स देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा सोफ़ा है और अलग अलग साइज का है, अलग अलग टाइप्स का है और अलग अलग क्वालिटी का। तो ये जो झूला जो है वो कितने का है? ये झूला भैया 22,000 रुपये से है। 22,000 है जी? 22,000 रुपये का, डिस्काउंट के बाद 18,000 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, 18,000 में जी। 3 क्विंटल कैपेसिटी है इसकी। और अभी जितने सारे आपको प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं वो मतलब सहारनपुर से आया है। सो अभी एक एक करके थोड़ा मतलब कोशिश करेंगे कि प्राइस जानने का, और ताकि आप लोगों को भी मतलब अगर आप वीडियो देख के आते हो तो आप लोग को मतलब आइडिया हो जाए कि मतलब प्राइस कैसा है, क्या कुछ है। तो इसी हिसाब से तो इसका प्राइस कितना लग जाएगा बोले भैया झूला का? इसका 22,000 रुपये है, डिस्काउंट के बाद 18,000 रुपये का। अभी अगर वीडियो देख के आते हो तो यहाँ पर जो मतलब बोलो कि वो लोग वीडियो देख के आए हैं, तो 18,000 से भी आप लोग को और भी ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये दीवान बेचते हैं 12,000 रुपये का। अच्छा, ये 2-1 होता है, बैठना और लेटना दोनों काम करते हैं। 3-4 बंदे बैठ जाए तो टूटेगा नहीं। अच्छा, मतलब क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं? 12,000 रुपये है, डिस्काउंट के बाद 10,000 रुपये। अच्छा, 10,000। तो इसका भी मतलब और क्वालिटी आता है कि बस एक ही क्वालिटी आएगी? एक ही क्वालिटी रहता है। तो रेड कलर है इसका, अलग अलग कलर आपको देखने मिल जाए। और ये 3 पीस रहेगा, 2 चेयर रहेगा। अच्छा, एक सोफा रहेगा बड़ा। डिस्काउंट के बाद 20,000 रुपये दे रहे। 20,000 ना? चलिए बहुत अच्छा। और इसके पीछे वाला जो वो भी सेम है? जी सेम है, सबका प्राइस कोई भी ले सकते हो, जो भी कलर चॉइस हो। अच्छा, मतलब यहाँ स्टार्टिंग से लेकर वहाँ एंड तक सबका प्राइस सेम ही है जी। डिजाइन जो बनाया गया है एकदम हाथ से पूरा, मतलब हैंडमेड है ना? हैंडमेड है, सब हाथ से होते हैं। अच्छा, इसीलिए इतना थोड़ा प्राइस है ना? जी जी, 4672 है जी। अच्छा, 4672 जी, गिलास का। अच्छा, इसका 28,000 रुपये है, डिस्काउंट के बाद 25,000 रुपये। ये एक नंबर की लकड़ी है हमारी लकड़ी, इसमें डिम्मक कीड़ा वगैरह गुण कुछ नहीं लगता है। ये 35,000 रुपये का है। अच्छा, 35,000 रुपये का ये। और इसकी जो चेयर है वो गद्दी फोल्डिंग हो जाती है। इसमें काफ़ी खूबसूरती से मतलब जो डिज़ाइन जो किया गया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसका फाइनल प्राइस क्या बताया भैया? इसका 35,000 रुपये है, डिस्काउंट के बाद 30,000 रुपये। 30,000 रुपये ना, उससे भी 1-2 हज़ार कम हो जाएगा अगर लेना चाहेंगे तो, ठीक है ना। और एक नेक्स्ट जो है वो थोड़ा इससे मतलब हाइट में थोड़ा छोटा लग रहा है ना ये। जी जी, इसका भी थोड़ा प्राइस बता दीजिए। इसका 25 है जी। अच्छा, 25 है, और डिस्काउंट करके? डिस्काउंट करके 22,000 रुपये। इधर भी आपको दिखा दे बहुत छोटा छोटा आइटम जो काफ़ी मतलब देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये ड्रो होती है। अच्छा, बेड वगैरह पगल। अच्छा, पलंग के लिए लैंप हम रखने के लिए ना, नाइट लैंप रख। अच्छा, ये से एक ड्रो यहाँ इसमें हो गई, एक नीचे में हो गई। अच्छा, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 3500 रुपये है, डिस्काउंट के बाद 3,000 रुपये लगेगा। 3,000 रुपये लगेगा ना, ठीक है। 8,000 रुपये है। अच्छा, ये चेयर डिस्काउंट के बाद 7,000 रुपये। 7,000 रुपये, चलिए बहुत अच्छा है। और इसका थोड़ा सा प्राइस बता दीजिए। इसका 4,000 रुपये है, इसका 3,000 रुपये लगेगा। 3500 रुपये का 3,000, 2500 पड़ जाएगा। अच्छा, ये 3,000 का ना, 2500 बोले इसका? जी जी, 3 या 2500 है। और फोल्डिंग वगैरह है। अच्छा, फोल्डिंग वगैरह। और इधर जो पॉड से वो सबसे बड़ा का बता दीजिए। ये 3,000 रुपये है जी। अच्छा, इसमें डिस्काउंट होगा? जी, इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, 2500 पड़ जाएगा लास्ट। अच्छा, सबसे बड़ा वाला पोर्ट जो है 2500 का। और जानेंगे सबसे इधर भी तो बहुत सारा आइटम है जी। ये 2500 रुपये है, इसमें सेम है जोड़ा। अच्छा, जोड़ा में आएगा 2,000 रुपये पड़ जाएगा सिंगल। अच्छा, सिंगल का ये 1500 रुपये है। अच्छा, सबसे छोटा वाला कितने का? ये छोटा वाला सबसे छोटा है 700 रुपये, ये 600 रुपये पड़ जाएगा। ये 14,000 रुपये का सेट है जी। अच्छा, ये 14,000 का है, और डिस्काउंट करके? डिस्काउंट करके 12,000 रुपये। ये टेबल फोल्डिंग है इसका। अच्छा, ये कितने का? 13,000 रुपये है जी। 13,000 का? 11,000 रुपये, 10,000 में हो जाएगा। अच्छा, 10,000 में इसका हो जाएगा। और ये एकदम यूनिक सा लग रहा है, मतलब एकदम सबसे हटके लग रहा है, जितना भी है सारे मतलब ये से हटके लग रहा है। तो ये इसका भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को प्राइस बता दीजिए। इसका 13,000 रुपये है, डिस्काउंट के बाद 10,000 रुपये है। पर्सनली मेरे को ये टेबल जो है काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग आके जरूर यहाँ पे देख सकते हो। 100 रुपीज़ में 3 पीस है ना? अच्छा, और ये जो है ये आइटम्स कितने का है? 250 में 2। अच्छा, 250 में 2 है ना, तो आप लोग देख सकते हैं मतलब 450। अच्छा, 450 का। इसका क्या साइज़ है? अच्छा, सो ये देख सकते हैं 6,000 का। अच्छा, डिस्काउंट भी हो जाएगा कि फिक्स प्राइस है? हो जाएगा डिस्काउंट, हो जाएगा ना। और इसका थोड़ा साइज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। 6x8। अच्छा, ये मतलब और बच्चे लोग के यहाँ पे मिनी बोट जो है वो पैडल वाला जो अवेलेबल है यहाँ पे। सो
सो अभी जो है पब्लिक आया नहीं, जिस वजह से मैं नहीं दिखा पाया। तो बच्चे लोग अगर आते हो तो यहाँ पे बोट, मतलब बोट भी अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हो इधर। और इसके जस्ट बगल में आपको ग्लास कप और इस तरह का प्लेट जो है वो आइटम्स देखने को मिल जाएगा। कप और ग्लास के आइटम्स इधर अवेलेबल है जो है काफ़ी सारा, मतलब प्लेट आपको अलग अलग साइज का, अलग अलग कलर का और अलग अलग डिज़ाइन का आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और इधर कप का जो सेट है वो भी अलग अलग टाइप्स का आपको देखने को मिल जाएगा। इधर जो है वो राजस्थानी अचार का शॉप है, अचार जो है, और इधर सोयाबीन, इधर जो चिप्स वगैरह सारा कुछ आइटम्स इधर है। सो ओवरऑल इस तरह से मतलब बहुत सारा आइटम्स आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कहाँ से आए आप लोग? एमपी से। एमपी सागर, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं भाई साहब, जैसे जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, सुवास है, खांसी है, पेट का गैस है, इसके विषय में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ दिया जाता है बड़े भाई, फूड पीस के दिया जाता है। अच्छा, तो यहीं पे बना के देते हैं? यहीं पे सामने बना कर देते हैं। तो बहुत सारा सोफा आइटम, मतलब उधर जो था वो हैंडमेड था, और इधर थोड़ा मतलब थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का इधर। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताओ। अगर आप यहाँ पे नहीं आया तो एक बार विजिट करो, अगर मतलब जो कुछ दिखा है उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी लेना हो आके एक बार चेकआउट कर सकते हो। और प्रोडक्ट जो है मतलब हैंडमेड है, थोड़ा कॉस्टली है और क्वालिटी भी उसी तरह का है। और हाँ, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो नेक्स्ट मतलब अपकमिंग ब्लॉग्स है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जोहार।